तो गणतंत्र दिवस और फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए ट्रैफिक पुलिस ने रूट के साथ साथ एडवाइजरी जारी कर दी है। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक मनीष अग्रवाल के मुताबिक कोरोना की वजह से गणतंत्र दिवस परेड विजय चौक से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम तक ही जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों को परेड के रूट पर न जाने की हिदायत दी है। पूरे मामले पर ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट सीपी मनीष अग्रवाल से बात की हमारे संवाददाता विश्वजीत झा ने। कोरोना काल में गणतंत्र दिवस परेड के रूट में ही बदलाव किया गया, काफ़ी कुछ बदला है। हमारे साथ ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक हैं मनीष अग्रवाल जी। मनीष जी, क्या कुछ बदलाव हुआ है इस बार गणतंत्र दिवस पर? कोविड के चलते हुए गणतंत्र दिवस परेड के रूट को भी छोटा किया गया है और नंबर ऑफ़ इन्वाइटीज भी कम किए गए हैं। नंबर ऑफ़ इन्वाइटीज लगभग 1/5 हो गए हैं और रूट भी जो है पहले जो 8.3 किलोमीटर होता था उसको रिड्यूस करके 3.3 कर दिया गया है। तो अब तो लाल किले पर जाने की संभावना खत्म है, इस बार तो होनी नहीं है। लाल किले पर परेड नहीं जाएगी, लेकिन टैबलूज जो है वहीं जाके समाप्त होंगे, तो उस हद तक हमें लाल किले तक के रास्ते को भी सैनिटाइज करके रखना पड़ेगा। कितना सर रूट रिड्यूस हुआ है आपका? तकरीबन 5 किलोमीटर का रूट कम हो जाता है। कहाँ से गुजरेगी परेड? 23 और 26 को अलग अलग दिन। जैसा मैंने बताया कि परेड जो है विजय चौक से स्टार्ट होकर और नेशनल स्टेडियम में ख़त्म होगी, तो उसके अंदर वो पूरा राजपथ क्रॉस करते हुए सी हेक्सागन से होते हुए और नेशनल स्टेडियम के गेट नंबर 1 से एंटर करेगा। सर, आम लोगों की चिंता होती है कि वो किस रूट से जाएं, किस से नहीं जाएं, किन किन रूट को लोग अवॉइड करें? हम बड़े व्यापक तौर पर अपनी एडवाइजरीज निकाल रहे हैं कि किन रास्तों को हम बंद रखेंगे। मोटा मोटा तौर पर अगर मैं किसी भी व्यक्ति को मेरे को अगर एक सुझाव देना हो तो मैं ये कहूँगा कि अंदरूनी रास्ते अवॉइड करें, यदि ज़रूरी ना हो तो इंडिया गेट की तरफ, कनॉट प्लेस की तरफ के अपने मूवमेंट जो हैं वो परेड के समाप्ति के बाद ही रखें। अगर नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट जाना हो तो जहां तक संभव हो रिंग रोड्स का इस्तेमाल करें। सर, रेलवे स्टेशन और अस्पताल को लेकर भी कुछ है खास? रेलवे स्टेशन और अस्पताल चूँकि ऐसे गंतव्य हैं जहाँ पर कि लोगों को ट्रेन और पकड़ ले जाना होता है, तो मैं उनको भी ये कहूँगा कि अगर रिंग रोड से होते हुए और जो आपका ये आप बेसिकली जो एक्सटर्नल रूट्स हैं, मैं अभी रोड्स के नाम आपको बता नहीं पा रहा हूँ, तो उनके तरह मार्फत वो आएँ, जिसके कि एडवाइजरी हम अभी इशू भी कर रहे हैं। सर, एक और आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि ट्रैक्टर परेड को की चर्चा काफ़ी हो रही है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और अभी सिर्फ इतना है कि हमें 26 जनवरी की परेड को सुचारू रूप से कराना है। आप लोगों को उम्मीद है कि ऐसा परेड दूसरा अभी तैयारी नहीं करनी है? अभी मैं कोई कयास लगाना नहीं चाहता, लेकिन यदि कोई हमें सूचना आएगी भारत सरकार से या कोई भी जो आधिकारिक सूचना आएगी उसके हिसाब से दिल्ली पुलिस अपने अरेंजमेंट्स करेगी। शुक्रिया सर, थैंक यू। तो कुल मिलाकर कह यही रहे हैं कि रूट कट शॉर्ट किया गया है, करीब 8.3 किलोमीटर का रूट जो होता था वो घटाकर इस बार 5 किलोमीटर कमी की गई है, 3.3 किलोमीटर का ही रूट होगा और ये जो अरेंजमेंट बाकी साल होते हैं करीब करीब वही हैं। और ये अपील की गई है कि लोग जो हैं बाहरी रास्तों का इस्तेमाल करें, इंटरनल रूट्स पर जाने से बचें। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुरवीर सिंह के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए।